अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड करनी है तो दो टाइप की प्रॉब्लम बनेगी। पहली प्रॉब्लम बनेगी प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग में कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करती है, स्टैटिक, और या फिर जब प्योर रोलिंग नहीं होगी स्लाइडिंग होगी तो कौन सा रोल प्ले करती है, काइनेटिक। अगर तो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फॉर्मूला अभी ले लो, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल, खत्म हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि स्लाइडिंग में एक ही फ्रिक्शन लगती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन का चक्कर कोई नहीं है, बॉडी अगर आगे स्लाइड कर रही है फ्रिक्शन पीछे लगा दो, बात ही खत्म है, केस ही क्लोज है, काइनेटिक का खत्म हो गया। तो जो आप रूल पहले लगाते थे अपने लॉज ऑफ मोशन में, वही रूल यहाँ लगा देना, बात ही खत्म हो गई। लेकिन स्टैटिक पहले भी ट्रबल करती है, अब भी ट्रबल करती है, क्योंकि स्टैटिक में प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन ही पता लगती है कि इधर होगी कि इधर होगी, इधर होगी कि इधर होगी। देखो कैसे, सपोज करो प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग में ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर मैंने टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा दी, इस स्फीयर पे टेंजेंशियल फोर्स मैंने एफ लगाई और स्फीयर ने रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एफ फोर्स टॉर्क जनरेट करेगी, कितना करेगी, आर इंटू एफ, क्लॉकवाइज। अब क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो यहां पर कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक है, डायरेक्शन बोलो क्या है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता जी टायर तो आगे रोल हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे है। दूसरा आया, वो कहता है ऐसे कैसे पीछे है, पार्टिकल देखो कहां जा रहा है, जब ये ऐसे जा रहा है पीछे तो फिर फ्रिक्शन कहां है, आगे। पार्टिकल क्योंकि पीछे जा रहा था रोल करते हुए, फ्रिक्शन आगे जनरेट हो गई, तो ये वाला पार्टिकल लुईस मोर पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर ग्राउंड इधर लगाई और ये ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगाएगा। वो अलग बात है कि ग्राउंड की फ्रिक्शन मैटर नहीं करती। अब क्योंकि ये रोलिंग है, क्वेश्चन आएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ऑल्सो फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ये रोलिंग का केस है, रोलिंग दो केस से बनी हुई है, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन पे बनेगी, ट्रांसलेशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास पे बनती है। तो सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कौन कौन सी दो फोर्सेस आगे एक्ट कर रही हैं, एक एफ और एक एफ, दोनों एफ कहां कर रहे हैं, राइट। तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन एफ प्लस एफ इज मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास, तो ट्रांसलेशन हो गया। और दूसरी इक्वेशन किसकी है, रोटेशन। रोटेशन का कॉन्सेप्ट किसके साथ चलता है, टॉर्क। अब टॉर्क देखें, देखो टॉर्क ऐसे लग रहा है, ये जो बॉडी है इस पे फोर्स ऐसे लग रही है, तो बॉडी को कैसे घुमा रही है, क्लॉकवाइज, देखो ना ये क्लॉकवाइज घूमेगी यहां फोर्स लगने से, क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन कहां पर है, वो भी इस तरफ है, बॉडी को कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन यहां ली ना यहां पे, तो बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली फोर्स कहां घुमाएगी, क्लॉकवाइज। तो अगर एफ इंटू आर टॉर्क क्लॉकवाइज है और आर इंटू स्मॉल एफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क क्या होगा, बड़े टॉर्क में से छोटे टॉर्क को माइनस करेंगे, क्योंकि बॉडी आगे क्लॉकवाइज रोल कर रही है तो क्लॉकवाइज टॉर्क बड़ा होगा। नेट टॉर्क होता क्या है, आई टाइम्स अल्फा। और रोलिंग के अंदर, प्योर रोलिंग में ये एप्लीकेशन, ये जो रिजल्ट है, तो एप्लीकेबल है, ए सेंटर ऑफ मास इज आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, पुट कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस ट्रांसलेशन की और रोटेशनल की सॉल्व करके आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। और इस ए सेंटर ऑफ मास को जहां मर्जी पुट कर दो, यहां कर दो, ऊपर कर दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, टॉर्क ही एक फॉर्मूला है, बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब मान लो एक स्टूडेंट को ना डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ में नहीं आई स्टैटिक, वो कहता पता नहीं लग रहा, और सर मैंने पेपर में गलती से ना ऐसे सोच लिया कि बॉडी राइट जा रही है, फ्रिक्शन लेफ्ट ले लेते हैं, तो मैंने ऐसे कर दिया, जबकि था उल्टा, पर उस स्टूडेंट ने ऐसे फ्रिक्शन ले ली, कोई बात नहीं, आपका आंसर न्यूमेरिकली अभी भी सही आएगा, तो ये अच्छी बात है। फ्रिक्शन न्यूमेरिकल में जहां मर्जी ले लो, आपका आंसर तो ठीक ही निकल आएगा। तो वैसे सही मेथड बता दिया, पर चलो इसे कर लें। अब बॉडी की ट्रांसलेशन इक्वेशन क्या बनेगी, बॉडी आगे जा रही है, आगे की फोर्स क्या है, एफ, और पीछे की क्या है, स्मॉल एफ, नेट फोर्स क्या है, एफ माइनस एफ इज मास इनटू ए सेंटर ऑफ मास। और रोटेशनल मोशन कैलकुलेट करें, कैपिटल एफ फोर्स कैसे लग रही है, क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करवा रही है, और ये वाला स्मॉल एफ इधर, ये भी क्लॉकवाइज करवा रहा है, चेक करो, स्मॉल एफ इधर है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एड
इज आई अल्फा। और एज यूजुअल अल्फा क्या है, ए सेंट्रोमास बाय आर। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आएगा, बस फर्क नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब आपकी इक्वेशन फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत है, बट चलो न्यूमेरिकल आंसर सही आएगा। फिर भी पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे फ्रिक्शन स्टैटिक निकलेगी। फिर देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर ना रोल कर रहा है आगे की तरफ और ये फिक्स्ड पुली है। सिलेंडर रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर धागा मान के नीचे मास लगा दिया, ये मास नीचे गिरता जा रहा है और रस्सी दराती जा रही है, सिलेंडर आगे 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 रोल कर रहा है। ठीक, तो सिलेंडर रोल कर रहा है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा या टेंशन क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से देखना, बस वो ट्रिक पकड़नी है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ही लॉज ऑफ मोशन। बाकी तो एक इक्वेशन तो लॉज ऑफ मोशन से बनेगी, एम जी माइनस टी इज एम इन टू ए, बात ही खत्म है। तो एम जी माइनस टी इज एम ए। सिलेंडर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग का आज हमने केस किया। अगर सेंटर ऑफ मास आगे मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो टॉप मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v। आज हमने किया ये रिजल्ट, रोलिंग में ये किया था, एक्सेलरेशन का भी सेम रिजल्ट है। कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग में है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 है, सेंटर ऑफ मास की अगर a है तो टॉप की 2 है, ट्वाइस हो जाएगी। अब सोचो जो मेरा सिलेंडर है वो उसका क्या चल रहा है, ये a एक्सेलरेशन है, अगर इसकी एक्सेलरेशन ब्लॉक की नीचे जाने की a है तो इस रस्सी की इधर आने की a है, यानी कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर की कितनी है, a है, और यहां की एक्सेलरेशन इसकी एक्सेलरेशन से डबल होती है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, a बाय 2, तो इसकी एक्सेलरेशन आधी हो जाएगी। यही किया था प्योर रोलिंग में कि अगर इसकी a बाय 2 है तो इसकी डबल हो जाएगी। हमें उल्टा गिवन है, हमें गिवन है ये a है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली a बाय 2। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ठीक है, इसका मास भी 2m गिवन है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाएं। पहली इक्वेशन तो बन गई ब्लॉक की, सिलेंडर की दो इक्वेशन बनेगी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ट्रांसलेशन में सेंटर ऑफ मास पे बनती है, सेंटर ऑफ मास पे कितना मास पड़ा हुआ है, 2m। ट्रांसलेशन मोशन में टोटल राइट की फोर्सेस कितनी है, टी भी है और एफ भी है। एफ क्यों है, सिलेंडर ऐसे रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन राइट है, और इस फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक, क्योंकि प्योर रोलिंग है, काइनेटिक तो हो नहीं सकती। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, टी प्लस एफ इज 2m इंटू ए बाई 2। ट्रांसलेशन की, रोटेशन की टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, टी टॉर्क इंटू टी इंटू आर, आर इंटू टी टॉर्क, कैसे घुमा रहा है इसे, क्लॉकवाइज। और ऐसे फोर्स लगेगी तो बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर इंटू एफ कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क क्या है, आई अल्फा। अब सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन ए सेंटर ऑफ मास, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर अल्फा। तो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास की सिलेंडर की है कितनी, ए बाई 2। तो यहां से अल्फा पुट कर दें, तो सिलेंडर का आई पुट कर लेना यहां पे हाफ एम आर स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके टी एंड एफ से जो निकालना निकाल लेना। मेन चीज क्या करनी है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी एक है कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया कि कहीं आप अगर इस टाइप की प्रॉब्लम कंफ्यूज ना हो जाए। और रोलिंग के अंदर ये देखना होता है टेंजेंशियल है या सेंटर ऑफ मास की है, दोनों में 2 का फर्क होता है। ठीक है यहाँ तक?